स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड स्टे सेफ एट होम. माई सेल्फ मीरा वाजपेयी फ्रॉम अमरनाथ विद्या आश्रम स्कूल मथुरा. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इन ईवीएस फॉर क्लास फर्स्ट. हियर इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर आर. फर्स्ट कंटेंट इज रिकैप, सेकेंड कंटेंट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड थर्ड कंटेंट इज होम असाइनमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. So students, first we will revise what we learned in the previous video. So let's start. Students, बच्चों मेरे, हमने last video में अपने 5 sense organs को discuss किया था. So there are 5 sense organs. First organ is eyes. Eyes are used to see. Second organ is nose. Nose help us to smell. Yes students. Third organ is tongue. Tongue is used to taste. And fourth organ is our ears. Ears help us to hear. And fifth organ is our skin. Skin help us to feel. So students, today we will discuss about the previous class about five sense organs. So students, these are the five sense organs. ये five sense organs हैं जो हमने previous class में discuss किए थे. I hope आपने मेरी previous class को, previous video को अच्छे से देखा होगा और five sense organs को revise किया होगा. Yes students, now that we have revised the previous information, now we will start the second content of this chapter, and the second content is parts of body. Yes students, our body has many parts and each part has a name. Each part is useful for us. बच्चों हमारी body में आप देखिए, मैंने एक यहाँ पे picture draw कर रखी है. ये आपको सबसे पहले आप इसको देखिए बच्चों, ये क्या है, boy या girl? Yes. ये पिक्चर किससे बिलोंग कर रही है? गर्ल से. तो बच्चों मैंने गर्ल, आप देखिए इस पिक्चर में गर्ल बनी हुई है और इसके पूरे पार्ट्स ऑफ जो बॉडी है हमने मेंशन कर रखे हैं. मेरे बच्चों आप देखिए, हमारी जो बॉडी होती है बहुत स्पेशल होती है और हम लोग जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स तो हमारे सेम होते हैं लेकिन वी मे ऑल लुक डिफरेंट. हम लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बट द ऑर्गेन्स इन आवर बॉडी इज द सेम. तो हमारा एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज सम वर्क टू डू. जो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो हमारा सेम ही काम करता है. तो अब हम आज इस पूरे पेपर इसमें हम डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल लर्न द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स. ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट दिस ऑर्गन्स. बच्चों अब हम इसके हम ऑर्गन्स के नाम रीड आउट करेंगे. फर्स्ट नेम इज हेड. देखिए हेड आपको दिख रहा है, मैंने पॉइंट आउट कर रखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे. ये हमारा क्या है? हेड है. सेकेंड इज आईज. थर्ड इज ईयर. फोर्थ इज नोज. फिफ्थ इज माउथ. सिक्स्थ इज टूथ. सेवन टंग. एट नेक. नाइन शोल्डर. टेन हैंड. इलेवन आर्म. ट्वेल्व फिंगर. थर्टीन लेग. फोर्टीन नी. फिफ्टीन टो एंड सिक्सटीन फुट. So students, now we will learn small function of these parts. Head helps us to think. Eyes, nose and ears. बच्चों ये हमने पहले वाले previous video में इन sense organs में हमने इसको discuss किया था. हमारे जो five sense organs से मैं आपको उनके function और उनके use के बारे में बता चुकी हूँ. तो हम और others function, other sense organs को, other organs को हम discuss करते हैं. Tooth and teeth help us to eat. Mouth help us to taste as the tongue lies in it. Shoulder helps our arms to move. Neck joins the body with the head. Hand help us to do work. Arm connects with the shoulder. Finger help us to pick things up. Legs help us to run. Knee help us to bend. Toe help us to stand. Foot help us to balance. So मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने इसके functions, छोटे छोटे functions को हमने read out किया. अब मैं आपको एक बार और इसको explain करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे. Head होता है बच्चों, आप अपने class में बैठते हैं, teacher आपसे कुछ पूछता है, question पूछता है, तो आप किसका use करते हैं? अपने हेड का यूज करते हैं, माइंड में अपने उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको बोलते हैं.
तो हेड का यूज आपको समझ आ गया होगा। आईज आपको पता ही है देखने के लिए होती है, हम अपने चारों तरफ किससे देखते हैं, अपनी आईज से देखते हैं। जो नोज होती है, नोज आपको पता है खाना मम्मा कैसा बनाती है, स्मेल जो होती है वो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, नोज यूज करते हैं। ईयर्स, आपके ईयर्स हैं इतने प्यारे प्यारे, वो किस लिए होते हैं, सुनने के लिए होते हैं, जो हमारे आसपास लोग कहते हैं उसको सुनते हैं हम। और इसके बाद टूथ और टीथ, टीथ आप देखिए, आप खाना जब हम अपने माउथ में खाना खाते हैं, देखिए माउथ के ही फंक्शन है, जब हम खाना अपने माउथ में लेते हैं तो एक जो टंग होती है वो टेस्ट बताती है, और टीथ से हम क्या करते हैं, चबाते हैं खाने को। कहते हैं ना रोटी को, कई बच्चे बहुत जल्दी जल्दी रोटी खाते हैं, कभी भी रोटी जल्दी नहीं खानी चाहिए, हमेशा उसको चबा चबा के खाना चाहिए। तो ये जो फंक्शन होते हैं इसलिए यूज होते हैं। हमारे शोल्डर्स होते हैं, आप लोग यहाँ पे योगा करते हैं स्कूल में, शोल्डर्स की एक एक्सरसाइज कराती है मैं, शोल्डर्स यूज होते हैं, जो हमारे आर्म्स को, जब शोल्डर है उसका काम क्या है, ये हमारे आर्म्स को मूव करता है ना, हिलाता है इनको। नेक, हमारा गला जो होता है वो हमारी बॉडी को, हेड को और बॉडी को ज्वाइंट करता है। जो हमारे आपके आर्म्स है, आपके जो आपके आर्म है वो क्या है, शोल्डर से कनेक्ट होते हैं। फिंगर्स, फिंगर से आप क्या करते हैं, फिंगर्स हेल्प अस टू पिक थिंग्स अप। फिंगर का यूज किस लिए करते हैं, लिखने के लिए, आप स्कूल में राइटिंग करते हैं फिंगर से ही लिखते हैं, फिंगर्स में पेंसिल लगते हैं उसके लिए होता है, कोई चीज को पिक करने के लिए होता है। और लेग्स, लेग्स जब आप भागते हैं, रेस लगती है तो आप किससे करते हैं, यस बच्चों, लेग्स जब आप रन करते हैं, रेस लगाते हैं तो किसका यूज करते हैं, लेग्स का यूज करते हैं। नी, नी आपके घुटने होते हैं, किससे, अब जब बैंड आपको उठक बैठक करते हैं या बैठते हैं खड़े होते हैं तो आप किस क्या यूज करते हैं, नीज का यूज होता है। टो हमारी हेल्प होती है स्टैंड, खड़े होने के लिए। और जो फूट होता है वो हमारा बैलेंस बनाने के लिए होता है। तो आज हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिस्कस किया। यस, आई होप स्टूडेंट आपको मैंने जो भी इस क्लास में आज पार्ट्स ऑफ बॉडी समझाए आपको क्लियर हो गए होंगे, हमने उनके फंक्शंस पढ़े। नाउ थर्ड कंटेंट इज होम असाइनमेंट, सो नाउ इट इज टाइम फॉर होम असाइनमेंट। बच्चों हमारे होम असाइनमेंट में मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी आज क्लास में डिस्कस करे हैं आप उसको लर्न करेंगे, लर्न करके अपने सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो मैंने मेंशन करे हैं उसको लर्न करके, उनके स्पेलिंग लर्न करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, उसके बाद आपको ये होम असाइनमेंट में दोनों क्वेश्चंस करने हैं। नाउ क्वेश्चन वन इज हियर, राइट द नेम्स ऑफ द फाइव सेंस ऑर्गन्स एंड देयर यूजेस। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस किया इस क्लास में, तो आप अपने आप बिना देखे फाइव सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखेंगे और उनके छोटे छोटे फंक्शंस लिखेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। आप वीडियो जब खोलेंगे आपको ये पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, आपको इनको देखते हुए इनके नेम मेंशन करने हैं। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, आपको क्लियरली पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी लर्न करने हैं, उसके बाद इन दो क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना। I hope you all are clear with this topic. I request you students to stay at home, stay safe and stay happy. Goodbye and thank you.